हो गया खाना तैयार हो गया क्या? इसका पेट भरा हुआ है और हम लोगों का जो दो है इन लोगों को हैंड फीडिंग देने का टाइम हो गया है। चलो हैंड फीडिंग कर दे। नहीं तुम्हारा हो गया है सुबह का टाइम। चलो जाओ। वो अकेला उठ गया है का। ये हैंड फीडिंग देखने के बाद ऐसे पागल की तरह क्यों बिहेव करता है पता नहीं चल रहा है। ये बड़ा हो गया है। चलो क्रिस्टो इसको सुबह हैंड फीडिंग दिया था। हाँ दिया है। तो इतना उतरबला क्यों हो रहा है? चलो अभी नहीं और नहीं। हैंड फीडिंग का चक्कर में वो खाना भी नहीं खा रहा। हाँ हैंड फीडिंग का चक्कर में खाना भी सही से नहीं खा रहा। एक्चुअली हैंड फीडिंग के लिए इतना दिखाओ एक रुमाल लाओ। नहीं और नहीं जाओ। तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो। तुमको बंद कर दूँ यार। ये खाना खिलाने नहीं दे। ना नीचे তোমাকে এ করবে যে নাচলে মনে খাবার দেবে। আহা মে কাও इसके लिए पूरा गड़बड़ हो रहा है। और एक बार चलो और नहीं। देखो इसको अगर 100 ml दे देंगे तो भी खा लेगा। हो गया चलो। इसके सामने तो दूसरों को खाना खिला। हाय पापा। नहीं कुछ नहीं करेगा। मैं हूँ ना डांटूंगा इसे। तेरा तारा भाई पति। आ जाओ तुम नीचे आ जाओ। नो नो तुम तो बहुत बदमाशी कर रहे हो। आ जाओ हाथों में आ जाओ। ये बहुत बदमाशी करता है। बंद रहो। चलो अभी ऊपर बैठ। वो उसने ही सारा डिस्टर्ब किया। मैं समझ गया। और ये तो बड़ा हो चुका है। ये एडल्ट हो चुका है। एडल्ट तो नहीं हो लगभग मतलब एज हो गया है 3 साल के आसपास। और ये अभी एकदम छोटा बेबी है। पेट भरा। साइज देखो अभी 4-4.5 महीने का हो रहा है। मतलब जायंट ग्रेटर सल्फर क्रिस्टेड कॉकटू जिसे कहते हैं वही। और कृष्ण ने जैसे बोला कि वहाँ मकाओ का जो मतलब हम लोगों का ब्रीडिंग सेटअप था वहाँ हम लोगों ने चेक करके आया था। वहाँ 3 अंडा था एक नेस्ट बॉक्स में और एक नेस्ट बॉक्स में 2 अंडा था। उसके अंदर एक खराब हो चुका था और बाकी एक को तो यहाँ ला के हम लोगों ने रखे है। और ये रहा, ये देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रैक हो रहा है। और 1-2 दिन में शायद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि उनका पेरेंट्स तो सही से मतलब हेल्प नहीं करा रहा था। अंडे का ऊपर बैठ नहीं रहा था। हम लोगों ने जब देखा उसका अगले दिन ही वहाँ से ले आके ऐसे ब्रूडर में इनक्यूबेटर में डाल दिया। लेकिन उसका कितना दिन पहले से वो अंडे पे नहीं बैठ रहा है वो मैटर करता है। तो देखेंगे और 3-4 दिन के बाद अगर कुछ हो रहा है तो नहीं तो ऐसे तोड़ के देखना पड़ेगा किस हालत में है किस सिचुएशन में है। अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। और कृष्णा ने जैसे बोला वहाँ मतलब आवाज़ आ रहा है बच्चों का मक्काओं का बेबीज का आवाज़ आ रहा है। तो अभी नहीं और मतलब 10-12 दिन 15 दिन एज होने के बाद ही निकलना सही रहता है। तो और थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद लेके आएंगे उसका वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। हो गया है इन लोगों का और बाकी का जो बचा रहा तो इनको खिला देंगे। आ जा देंगे हैंड फीडिंग। अच्छा ठीक है पूरा खिलाएंगे। कितना खा सकते हो लोग? लो खा लो। वो गुस्सा हो गया अभी। इतना गुस्से का कोई बात नहीं। चलो खा लो खा लो। ठीक है ले लो। डाटा ना इसके लिए थोड़ा सा सेंटिमेंटल है। हैंड फीडिंग का चक्कर में ये सारा खाना तो वेस्ट होते जा रहा है। किसने रख तो वो खाएगा नहीं अभी। दूसरा पैर में हाथ मत लगाओ खाने के टाइम वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ 37.5 हो गया। तो इनक्यूबेटर का हम लोगों ने जो टेम्परेचर सेट किया था 37.5। जब 37.5 हो जाता है वो लाइट जो बल्ब जो हीट पैदा करता है उसका मतलब पावर काट हो जाता है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और 37 में जब आ जाएगा मतलब 5.5 का फासला रहता है ऑन एंड ऑफ होने का। ठीक है ना। जब 37 हो जाएगा फिर से अकेला अपने आप ही लाइट ऑन हो जाएगा। टेम्परेचर फिर से जब 37 मतलब बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जब 37.5 हो जाएगा तब फिर से कट आउट हो जाएगा। यही होता है इनक्यूबेटर का फंक्शन।
मतलब यहाँ सिर्फ जो काम रहता है टेम्परेचर को एक निर्दिष्ट मात्रा में मेंटेन करके रखना होता है, और इसका अंदर मतलब जहाँ बल्ब लगा के रखे है उसका नीचे बाउल में पानी दे के रखे है ताकि मॉइस्चर का कमी ना हो, क्योंकि अंडा फर्टिलिटी में मॉइस्चर भी चाहिए होता है। ऐसे ढक्कन चारों तरफ से लगा के अगर ऐसे होता रहेगा तो मॉइस्चर का कमी हो सकता है, तो इसी के लिए पानी रहने से क्या होगा मॉइस्चर भी मेंटेन हो जाता है। सिर्फ टेम्परेचर नहीं मॉइस्चर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। बर्ड जैसे हैचिंग कराते हैं ना तो उसी हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करना और मॉइस्चर को ठीक रखना, तो अपने आप ही इंक्यूबेटर के अंदर भी वो बच्चा अंडे को तोड़ के बाहर आ सकता है। और एक दिन से डे वन से हम लोगों को हैंड फीडिंग करा के बड़ा करना होगा, वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। कोई भी बेबी बॉय जब मतलब एकदम छोटा रहता है तीन फेदर आने से पहले सही टेम्परेचर मेंटेन करके अगर हम लोग रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और खाने पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। 37, 38, 39 के बीच में एक खाने का हैंड फीडिंग फॉर्मूला का टेम्परेचर होगा, तो बेबी बर्ड्स एक दिन डे वन से एकदम आराम से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, जी ना। तो उम्मीद करते हैं आज का छोटा सा वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जैसे फ्रेंड्स उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। गुस्सा हो गया सामने तो जब भी पहुँचता हूँ, देखो काम अभी तक चालू है। चलो बंद करो, जोर लगाओ, धीरे से हवा है, हवा है। दादा काम तो जोरों से चालू है, मतलब कुछ प्लान हुआ कैसे क्या होगा? हम लोगों का तालाब थोड़ा सा बड़ा हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी होगा अच्छा होगा। नीचे यहाँ आउटसाइड में एक गार्ड वॉल चाहिए था, नहीं तो चूहा मतलब होल बना के एवियरी के अंदर का मिट्टी बाहर लेके जा सकता है। इसी के लिए गार्ड वॉल मतलब मिट्टी को गार्ड करके रखने के लिए ऐसे होना चाहिए, और पहले तो हम लोगों ने नहीं किया था, अभी करना पड़ रहा है, नहीं तो बाद में भविष्य में दिक्कत हो सकता है। तो इसी के लिए उसका भी काम चालू था और लगभग ख़त्म ही हो रहा है। ये देखो अभी बोल रहे थे ना कि चूहा ख़राब कर देगा, ये देखो कितना बड़ा चूहा। देखिए कैसे होल बना रहा है, अगर हम लोग सही से ऐसे गार्ड वाल बोर्ड नहीं बनाएंगे ना तो दादा मतलब यहाँ भी हम लोग ऐसे चूहा वो अंदर आ सकता है गड्ढा करके होल बना के नीचे से। और इस साइड में हम लोग एवियरी का काम आधा से ज़्यादा पहले तो हो गया था, उसके बाद तेज़ धूप के कारण कुछ दिन बंद था, और तेज़ बारिश के लिए भी कुछ दिन बंद रखना पड़ा था, और अभी फिर से चालू हो गया है। और उस साइड में से हम लोग का पेंट करने का काम कलर का काम भी चालू है, क्योंकि एक साइड से वो लोग काम कंप्लीट करके आ रहे हैं और एक साइड से कलर पेंटिंग का काम भी चल रहा है। ये तो बाहर ही रहेगा स्ट्रक्चर, तो तेज़ धूप बारिश में ज़्यादा दिन टिक पाए इसी के लिए अच्छे से ऐसे पेंटिंग कर देना है। ये देखो हो गया, एंड में टोटो गाड़ी में बांध के लेके जाना पड़ रहा है। सुबह निकल गया था, कलकत्ता जाना था कुछ काम के लिए, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद जो हुआ एक्सेल काम नहीं कर रहा था, एक्सेल कट गया था। तो मतलब ऐसे इंजन स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, और नीचे से फट करके कुछ आवाज आ रहा था। तो मिस्त्री को बुलाया, दिखाया, बोला कि दादा एक्सेल कट गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसी के लिए अभी गैराज में लेके जाना पड़ रहा है, और आगे तो कलकत्ता से ही इसका एक्सेल ला के रिपेयरिंग करना पड़ेगा। पूरा काम का सत्यानाश हो गया है आज के लिए।